चला तो पाकिस्तान किसी सूरत में भी पाकिस्तान के आवाम खुशहाल नहीं होंगे। हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आवाम की सही तर्जुमानी करें, आवाम के जो मसले हैं उन मसलों को उठाएं, आवाम की जो परेशानियां हैं उनकी आवाज बने, और आपकी की वसादत से इंशाअल्लाह ताला ये आवाज दिन ब दिन मौसर होती जाएगी, इंशाअल्लाह ताला और ज्यादा मजीद मौसर होती जाएगी। हम यहाँ पर परेशानियों में मुब्तला हैं, इस सूबे के लोग और खासकर मलकंड डिवीजन के लोग, जो कि एक पासमानदा इलाका है, यहाँ के लोग गुरबत से दिन ब दिन गुरबत में इजाफा हो रहा है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। ये सूरत अगर रही तो हम इस सूबे के लोग इस सूबे के गयूर पख्तून बेजार हो चुके हैं, और मैं पीडीएम की लीडरशिप जो यहाँ पर बैठी है उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि माजी में भी इस सूबे को यहाँ के पख्तून भाइयों को नज़रअंदाज किया गया, और अब उसकी इंतहा है। हम आप लोगों से ये यकीन दहानी चाहते हैं कि कल मरकजी हुकूमत में आप पर सर इक्तदार आए तो आपकी सबसे पहले सर फरेश अवलीन तरजीह में ये सूबा होगा, इस सूबे के गरीब आवाम और इस सूबे के वो लोग जो मुश्किल में हैं वो आपके साथ होंगे। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क में जो लोड शेडिंग हो रही है, गैस की नायाबी, जब बिजली है मुल्क में, शाहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि बिजली हमने पैदा की, वाफर मकदार में बिजली पैदा की, आप वो बिजली इस इन आवाम को इनकी सहूलत को सहूलत के लिए क्यों मयसर नहीं, ये हम पूछना चाहते हैं। अभी भी अगर बिजली लोड शेडिंग इंतहा पे पहुंच गई है, बिजली के नर्ख भी इंतहा पे पहुंच गए हैं, और ये पहली बार है कि जुलाई के महीने में गैस नायाब हो जाए, ये कभी पहले हुआ नहीं। ये इनकी हुकूमत का एक तुर्रा इम्तियाज है कि आज मुल्क में गैस की भी नायाबी है, ये इनके लिए शर्म का मुकाम होना चाहिए। आज इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बैरूनी तौर पर, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी अंदरूनी पॉलिसी, हमारी अंदरूनी पॉलिसी, हमारी मईशत की पॉलिसी सब फेल हो चुके हैं। आज हमारे हमसाया मुल्क में अफगानिस्तान में जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये एक नया सैलाब है, एक नई सूरत हाल है, और मौजूदा हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो भी तरीका हो अफवाम तहसीन से अमन के साथ एक तरीका कार बनाया जाए। पिछले दिनों में पार्लिमानी पार्टियों की मीटिंग ऑल पार्टी बुलाई गई, जिसमें अफगानिस्तान के इशू पे
पाकिस्तान के मसले पे बात हुई। ये अजीब बात है कि अफगानिस्तान की बात हो जिससे आप मुतासर हो रहे हो और ये लोग हमारे मुल्क के जो नाम नहाद वजीर आजम है वो उस मीटिंग में मौजूद ना हो, वो सिर्फ असेंबली में एक बयान देता है और बयान के जरिए कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे। सही है, लेकिन मुल्क की जो पॉलिसी बनती है पॉलिसी सब पार्टियों को मिलके एक पॉलिसी बनाई जाती है, एक तकरीर से पॉलिसी नहीं बनती। इसकी तकरीर की कोई अहमियत नहीं है जब तक सारे पार्टी उसके साथ इस बात पे मुतफिक ना हो कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी अफगानिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में और बाकी मुल्कों के बारे में। इसके बगैर ये कभी किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं। जब सुबह कम मसली थी जमुगा चिकम मुश्किल थी आगा मुश्किल जमुगा हक पागला बिजली पमत के लिए क्वादा तेल पमत के लिए क्वागा दिलता दा दाकम बेरोजगारी और गुर्बत चली पर हक के दे मुंगतागा पल हक न मिलावेगी दा हुकूमत पदे लदे सूबाई हुकूमत दामरा बी के साथ निष्ठा दामरे मत निष्ठा के भी पल हक वाड़ी मुंगा देखो अतो कालदा से दा हुकूमत मुसलत दे पनोर पाकिस्तान मान दे उतरे काला उसू अल तको फलक द्रे कालदा से परेशान दे मुंग को अत कालदा से मुंग मादे दा खलक मुसलती आओ जब बदे न पेगमा चे दा सुबाई हुकूमत चे ददीस खास कर ददे डिवीजन पा हवाले सरा ददे डिवीजन ना ददे सुबे वजीर आलम दस्वात न दे को देर पागे सरा वैमा अफसोस सरा वैमा चे सी पैक यो दासी मंसूबला चे अदे असरात चे पकम देना चे सी पैक लाला चेरसी अल्तस अरोसी तरकीला जी बदे मराकान डिवीजन के और दसवाद अपारा बदे के उस अपोर यो मंसूबा मिश्रा दाद शर्म खबर दा अमुंगा दे देर वो अब जमान कहो तब से भी तेर इलेक्शन से पकम हरबो मान जाऊगा तो उस नवे हरबे इस्तेमाल और वारी उस वही के इलेक्ट्रॉनिक मशीन मान दे बा वोट अचाओ द मल टोले पाते है अपोजिशन टोले पाते है वैसे मुंगा दा काबिल कबूल न दे द देरा पारा के नास्तल पकार दे इमरान खान वैसे ना दा टोले के खतर कदा इलेक्शन कमीशन वैसे दा तरीका ठीक न दा देखे दा तरीका ठीक न दा आओ वी बागे मांदे बजेंटी मुंगा दा तरीके कार दाचे कम भी कैदा मुंतकाबिल कबूल न दे मुंगा वारू चे अवाम बाद इलेक्शन के दे यो इदारे मुदाखिलत नहीं दे यो इदारा पदे के मुदाखिलत न कहीं न कदे मुल्क बा सही मानो के इंतखाबात उसी मुंगा सही मानो के इंतखाबात वारू और आगे इंतखाबात पर इंशाल्लाह ताला स्तासु पर मदद से राज्य स्तासु मजबूत बोलार है नरहबी भी पदे के बिया इस अगर शिरावस्ते उन्होंने
सरस्ता को पदे दिया सरा मजकूर ममनू ने मा चे मुंगलम दाता सुटो राग ले ओ दा जलसम चाबा बकरा जदा मुंतर जमीन हम मजकूर चे पदे खतर के सरा पूरा मंत्र के सरा उस पूरे इंशाल्लाह ताला पूरा मंत्र के सरा उसवा और दास सिलसिला बा मख के बोझू हो उसका को बगैर दा मुल मख के निश्चित ले जे सो पूरे स्तास आवाज रा दा ऊपर दा आवाज सही मानो के आ उनमें निश्चित आ पूरे दा मुल मख के निश्चित मुंगा ताल सरवला मुश्किल सरवलारू सासो जज्बात सरवलारू सासो जहन सरवलारू सासो हर योम मुश्किल चले अगर जमों का मुश्किल जाओ इंशाल्लाह ताला तदेन पारा हर किस्म कुर्बान है ता मुंगा तैयार यू इंशाल्लाह ताला।